कभी कभी ना मन करता है कुछ ना बढ़िया सा चटपटा सा खाया जाए, लेकिन हम ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाना चाहते क्योंकि थोड़े हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं आजकल। तो फिर क्या बनाए, तो मैंने आज बनाए मूंग की दाल के चीले, क्योंकि बरसात में ना मूंग की दाल के चीले खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 1 कप मूंग की दाल लेनी है और आधा कप चावल लेते हैं, और इनको 2 घंटे के लिए भिगो लेना है अच्छी तरह से। और जब ये खूब भीग जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद इसको एक छलनी में छान लेना है, थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल देनी है, आप चाहो तो अदरक भी डाल सकते हो, और इन्हें मिक्सी में पीस लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। लेकिन ध्यान है इसको ज़्यादा पतला मत करना, थोड़ा गाढ़ा सा ही पेस्ट बनाना आप इनका। और जब ये पीस आएंगे ना, तो इन्हें एक बाउल में निकाल लेना है, ट्रांसफ़र कर लेना है। और जो मिक्सी में लगी हुई दाल है ना, उसको भी थोड़ा सा पानी डालकर डाल लेना है इसमें, और फिर इसको मिक्स कर लेना है, सबको एक जैसा कर लेना है इसकी कंसिस्टेंसी। ज़्यादा हमें अपने पेस्ट को पतला नहीं करना है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, सेमी सॉलिड सा ही रखना है। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा पतली मत करना। अगर पतला कर दोगे ना पेस्ट, तो फिर आपके चीले ना गिल गिले बनेंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे। उतनी ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे हल्का सा, और बस फिर इसके बाद एक तवा रख देना है गैस पे गर्म होने के लिए, नॉनस्टिक। और जब तवा गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें 2 बूंद देसी घी या ऑयल कुछ भी डाल देना, और उसको एक कपड़े से पोंछ लेना। फिर इसके बाद जो हमने बैटर बनाया है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको करछी से गोल गोल करके घुमा लेना है, और जितना पतला फैला सकते हो ना उतना पतला फैला लेना आप। इसको तवे पर अच्छी तरह से फैलाने के बाद ना, इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, और गैस को बिल्कुल स्लो कर देनी है हमें, बिल्कुल भी तेज़ गैस नहीं रखनी है, बिल्कुल सिम कर देनी है गैस को। और फिर थोड़ा इसको सूखने का इंतज़ार करना है। देखो ये सूखने लग रहा है, और जब ये सूख जाएगा ना, तो हल्का सा घी डाल देना है साइडों में, और जो बीच बीच में छेद हो गए उनमें भी डाल देना बहुत हल्का सा घी, और इसको अच्छी तरह से सूखने देना। और ये रेड रेड सा होने लगा है, देखो गोल्डन गोल्डन सा हो गया है ना, तो बस अभी ये अपना आप उतर जाएगा। इसको हल्के हाथों से जो लकड़ी का हमारा जो स्टैपुला है उससे तैयार हो गया है। इसको मैंने आलू की सब्जी बनाई है इसके लिए, और धनिया की चटनी और मीठी चटनी इसके साथ सर्व किया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। इसी तरह से हमें अपने सारे चीले तैयार कर लेने हैं। तो बस इनको मैंने आलू की सब्जी पहले से ही बना ली थी, बहुत बढ़िया टेस्टी सी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको आगे बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। तो मैंने धनिया पुदीने की चटनी और मीठी सौंठ सर्व की है, और थोड़ी सी कर्ड भी सर्व की है। तो चीला भी हमारा सीख के तैयार हो गया है, बस इसको हम अपनी प्लेट में रख लेंगे और इन्हें एंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।